नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। बांदा जिले के तिंदवारी कस्बे में दिन रविवार स्थान रमा जीनियस पैलेस बबेरू रोड तिंदवारी में रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी, नशाखोरी, व्यभिचार, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, जुआ, दहेज मुक्त, जाति पात, भेदभाव, चोरी करना इत्यादि कुरूतियां मानव समाज में व्याप्त है। इन कुरूतियों को समाप्त करने के लिए आम जनमानस को जागरूक करना, भक्तों से बातचीत करने पर पता चला कि इन सब कुरूतियों, पाखंडवाद व बुराइयों से छुटकारा केवल सतभक्ति से ही पाया जा सकता है। सतभक्ति केवल संत रामपाल महाराज जी के द्वारा ही प्राप्त है, जो समाज को एक नई दिशा देने के लिए संघर्षरत है। जिनकी शरण में जाने से लाखों लोग इन सब बुराइयों को छोड़ चुके हैं और सुखमय जीवन यापन कर रहे हैं। सत्संग के बाद रमेन दहेज रहित विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें ना ही कोई डीजे, ना बाराती और ना कोई रस्म और रिवाज, बहुत ही सीधे साधे तरीके से विवाह किया गया। धीरेन्द्र दास मंडल सेवादार, जिला सेवादार कृष्ण पाल दास, राम प्रकाश दास तहसील सेवादार, रामदास दास, रविकरण दास, जयगोपाल दास, देवचरण दास, राम भजन दास, जयराम दास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यहाँ क्या बताते हैं, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कह रहे हैं कि एक दास बनकर आए भगवान, और रावण को देख लो, भक्ति के नाम साथ बकवास नहीं चलेगी। अब रावण जैसी साधना कोई नहीं कर सकता, यहां से धड़ काट कर चढ़ा दी भगवान के निमित्त समर्पण होता। शिव की उपासना तमोगुण की करके राक्षस कहलाया। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है, तीनों गुणों की उपासना मोमिन यानी उस नीरू नामक मुसलमान दुलाहे को तैरता रहा तालाब पर। अब उस परमात्मा का कितना सुंदर श्री। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।